सरकार भी जब कैमरा ऑफ हो जाता है सरकार वाले भी हाथ जोड़ के कहते हैं भाई ये कानून तो खत्म हो लिया, अब तुम पिंड छोड़ो हमारा। लेकिन सच ही हमने कहा भाई छोड़ देंगे, लेकिन आप जरा लिख के तो दे दो ना कि खत्म हो गए, नहीं तो कैमरे के सामने कुछ और बोलते हो, पीछे से कुछ और बोलते हो। सच ये है कि इस देश के किसान ने तो इन कानूनों को रद्द कर दिया है, संसद ने पास किया और सड़क पे फेल हो गए हैं कानून। अब तो किसान इन्हें खत्म करवा के ही मानेगा, और यही नहीं MSP पे भी कानूनी अधिकार लेकर ही मानेगा। पीछे नहीं हटी थी, लेकिन इस कानून के बारे में तो ये कहते हैं ना कि 1.5 साल तो हटा देंगे जी, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनवा देंगे जी, ये पीछे नहीं हटना हुआ तो क्या हुआ। सच बात तो ये है कि ये आंदोलन, ये कानून आज निष्प्रभावी हैं, और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे हटा लेगा तो ये किसी और बहाने से स्टे लगवाएंगे खुद, क्योंकि ये चाहते हैं कि स्टे लगा रहे इन कानूनों पर। सच ये है कि सरकार बैकफुट पे तो है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई, ऐंठ बची हुई है, किसान आंदोलन ऐंठ भी उतरवाएगा। दुर्भाग्यवश सरकार ने सोचा है कि जिस किसान आंदोलन को वो सड़क पे नहीं हरा सकी, जिस कानून, जिस किसानों के आत्मबल को ये सरकार ना धूप से ना बारिश से तोड़ पाई, उसको अब बदनामी से और कैमरा से तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सफल नहीं होगा। ये तो BJP वाले ज़बरदस्ती हमसे काम करवा रहे हैं, हम तो आज भी कानून हटाने को तैयार हैं और कानून हटाना ही चाहते हैं। कल को ये कानून हटा दें, MSP की गारंटी दे दें, परसों हम तंबू उखाड़ना शुरू कर देंगे, अपने घर जाएंगे, तो यहाँ बैठने का शौक थोड़ी है हमारे को। पूरे किसान आंदोलन में दो बड़ी बड़े निशाने पर हैं किसानों के, एक तो अडानी और एक अंबानी, जबकि उद्योगपति तो शुरू से रहे हमारे देश में, इनको निशाना क्यों बनाया जा रहा ज्यादा? क्योंकि ये कानून इन्हीं के इशारे पे बने हैं, क्योंकि ये कानून अडानी और अंबानी का भला करने के लिए बने हैं, क्योंकि ये कृषि की स्टोरेज का सबसे बड़ा काम देश में कौन करता है? अडानी। और इसकी जो एग्री रिटेल का काम कौन करेगा? अंबानी। क्योंकि पिछले 1 साल में इस देश के हर परिवार की आमदनी घटी है, लेकिन अंबानी और अडानी का साम्राज्य दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए नाम लेते हैं। हरियाणा में स्थिति बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इनके स्थानीय गुर्गों के द्वारा और इनके समर्थित मीडिया के द्वारा एक ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। किसान शांति के पक्ष में है, किसान अहिंसा के पक्ष में है, किसान लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करना चाहते हैं, और BJP और इनके दलाल चाहते हैं कि इसमें कहीं हिंसा हो जाए, किसान होने नहीं दे रहे। टिकैत जी को मिल के आया और ये सोचा है कि ये सरकार जिस बेशर्मी और ढिठाई पे आई हुई है, इसका जवाब देने के लिए हमें लंबी मोर्चे की तैयारी यहाँ करनी होगी, और लंबी लड़ाई की तैयारी पे हम सब लोग लग गए। मैं समझता हूं कि ये किसान आंदोलन 3 ऐतिहासिक उपलब्धि कर चुका है। इस आंदोलन ने किसान का स्वाभिमान आत्मसम्मान लौटाया है, इसने किसान को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया है, और किसानों में ऐतिहासिक एकता पैदा की। 3 कानून आज नहीं तो कल रद्द तो होंगे ही होंगे, ये कानून तो मर गए हैं, बस प्रधानमंत्री अब इसे मूंछ का सवाल बना के इनका डेथ सर्टिफिकेट अभी हमें नहीं दे रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। जितना लंबा चलेगा उतना सरकार के लिए महंगा सौदा होगा। पता नहीं क्यों मोदी जी को महंगा सौदा पसंद है, कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने आरोप नहीं लगाया भाई, वो तुम बेचारा अब है नहीं इस दुनिया में। जो वहाँ पे टिकरी बॉर्डर का जो इंसिडेंट है वो ये है कि उस व्यक्ति ने अपनी पारिवारिक परिस्थिति से जो भी है उसने आत्महत्या की। एक बाकायदा वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि उसको परिवार से क्या क्या समस्या। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे किसान साथियों ने पेट्रोल से जलते हुए उस आदमी के ऊपर कंबल डाला, मिट्टी डाली, उसे बुझाया, अपनी जान पे खेल के हमारे साथियों ने उस आग को बुझाया।
मैं चाहता हूं कि इस देश का मीडिया इस सच्चाई को दिखाए, क्योंकि इसके प्रमाण हैं, क्योंकि इसका वीडियो है, उसके बाद वो आदमी उनसे बात कर रहा है, तो इस सच्चाई को करें। मैं समझता हूं कि इस धरना स्थल पे पहले दिन से बहुत शानदार घटनाएं होती रही हैं। दिक्कत ये है कि तमाम घटनाओं को नोटिस नहीं किया जाता, और आज सरकार के एजेंडा के चलते हुए कुछ घटनाओं को उछालने की कोशिश हो रही है, और ये पहली बार नहीं है। 26 जनवरी को भी हमने देखा, और इसी गाजीपुर ने उसका जवाब दिया था। तो किसान आंदोलन तमाम ऐसी घटनाओं को देखते हुए, इन पे नियंत्रण करते हुए, और आंदोलन आगे बढ़ रहा है। इस घटना, इन धरना स्थल पे जो घटनाएं, जो शानदार घटनाएं होती हैं, वो भी अगर मीडिया देखने लगे तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी बदल जाएगी। आधी रात को बात करने को तैयार हैं, बशर्ते किसान अपनी आधी मांग छोड़ दें, यानी कि कानूनों की बात करना छोड़ दें। कृषि मंत्री जी, इतनी कच्ची गोली हम नहीं खेले हुए, आधी रात नहीं, आप दिन के टाइम बात करो, लेकिन बात उस पे करो जो हमारे मुद्दे हैं, बात को गोली देने की कोशिश सर आपको नहीं लगता? आप तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी में गिनती होती है, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। 7 महीने होने वाले हैं, किसान पहले दिन से बातचीत को तैयार है। हमने MSP के सवाल पे कहा है कि MSP हमें चाहिए, फार्मूला आप बता दो, बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन ये जो जबरदस्ती के कानून है, उसमें बीच का रास्ता क्या होगा, आप ही बताइए। मैं नियम बना दूं कि सब पत्रकारों को सुबह घर से निकलने से पहले थाने में रिपोर्टिंग करके आनी होगी, तो आप कहेंगे इसको बंद करो, मैं कहूंगा चलो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को थाने चले जाना। आप कहोगे ना ये कौन सा बीच का रास्ता हुआ भाई, बंद करो ये बदमाशी, है ना। तो कुछ चीजों में बीच का रास्ता नहीं होता। जब अमित शाह जी फोन करके राजेवाल जी को बोलते हैं कि इस डेलीगेशन में किसी भी किसान को ले आओ, किसी पार्टी के आदमी के ले आओ, योगेंद्र यादव को ना लेके आओ, जब रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पे हमला करते हैं, जब योगी जी अपने इंटरव्यू में बार बार मेरा नाम लेके मुझे हमला करते हैं, तो मुझे भरोसा हो जाता है कि मैं ज़रूर कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। फिर जब कांग्रेस के MP बिट्टू जी लोकसभा में खड़े होकर मेरा नाम लेके मेरा विरोध करते हैं, तो फिर मेरा जो विश्वास है गाढ़ा हो जाता है कि फिर तो मैं बहुत ही ठीक काम कर रहा हूँगा। और उसके बाद जब खालिस्तानी लोग और दीप सिद्धू वीडियो बना के मुझ पर हमला करते हैं, तो फिर मुझे लगता है अब सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। अगर RSS भी परेशान है, BJP भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, और खालिस्तानी भी परेशान है, इसका मतलब मैं सच के रास्ते पे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस सच को मान लिया। मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा मेडल है। 26 जनवरी को नहीं मिला कोई बात नहीं, मेडल है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी सच कहते हो, आंदोलन जी भी है। जहाँ आप झूठा काम करोगे उसका विरोध करेंगे, जहाँ अन्याय होगे उसका विरोध करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हर अन्याय का विरोध करने में मैं खड़ा होता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ आप। वो तो ठीक रास्ते पे थे, देश भटक गया था, अब देश को सही बात समझ आ गई है। मोदी जी तो पहले दिन से जिस रास्ते पे थे उसी पे हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, अडानी अंबानी का साम्राज्य बढ़ रहा है, मोदी जी तो जो काम करने आए थे उसी पे टिके हैं। जनता बहक गई थी, अब जनता को समझ आने लग गया है, जनता की आंखें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। मेरे को मोदी जी के चरित्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जनता के चरित्र से मतलब। हरियाणा के लोग कह रहे हैं बहुत हो गया खट्टर जी, अब ये झूठे इनॉग्रेशन रोज करना बंद कर दीजिए, किसानों को भड़काने के काम रोज बंद कर दीजिए। वो कहते हैं कि कितनी फजीहत करवाओगे आप, इतना तो बंद कर दो। अगर शांति का मतलब ये है कि सरकार मेरी छाती के ऊपर पांव रख के बैठी खड़ी रहे और मैं उनको नमस्ते करता रहूं, तो वो शांति नहीं है। हमने कहा है कि कोई हिंसा नहीं होगी, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया है, करेंगे। इनको हमने पहले दिन बोला था किसान या कुर्सी, दोनों में से एक चुन लो,
इन्होंने कुर्सी चुनी है, किसान को छोड़ा है, किसान इनको मतलब तो बताएगा। ऐसी स्थिति यूपी में नहीं बन रही है जो हरियाणा में बन रही है। धीरे धीरे यूपी में भी बनेगी और पूरे देश में बनेगी। एक एक करके किसान आंदोलन एक साथ पूरे देश में कभी भी खड़ा नहीं होता है। ऐसी स्थिति जो हरियाणा पहले पंजाब में थी, कहते थे सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा में बन गई, कहते सिर्फ हरियाणा पंजाब का है, फिर उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बनी, कहते नहीं नहीं बस कुछ पड़ोसी इलाकों का है। धीरे धीरे पूरे देश का आंदोलन बन रहा है। जो स्थिति आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, दो चार महीनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी वही अवस्था होने वाली है। वो उनका ओपिनियन होगा। मैं तो समझता हूँ यूपी के किसान जम के इस आंदोलन में है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, कोई रातों रात चुटकी बजा के खड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन जब खड़ा होगा तो कोई उसको बैठा नहीं सकता। खट्टर मुख्यमंत्री हैं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, इन प्रतीकों का विरोध नहीं करेंगे तो किसका विरोध करेंगे? क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को किसान का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करते हैं। हम तो कहते हैं भाई अपने आप को देवीलाल का वंशज कहना बंद कर दो, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। ये सर जाति फैक्टर है। क्या जाति फैक्टर? मैं समझ नहीं आया भाई, आपको दिख रही होगी, मुझे दिखी नहीं, दिखा दो आप बता दो। सीएम जो है वो सीख है, कभी वो जाट है, इस वजह से हो रहा हो। तो कल सीएम का विरोध क्यों हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। हरपाल जी बहुत पुराने हमारे साथी रहे हैं, बहुत शानदार योगदान रहा है किसान आंदोलन में, पहले दिन से इस आंदोलन में साथ थे। मेरा तो गौरव रहा है, मैं तो खुद बेलारी भी गया, उनके तमाम कार्यक्रमों में जुड़ता रहा हूँ। और चूंकि मैं यहाँ आया था और मुझे पता लगा हरपाल जी आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करने के लिए रुक गया। इस देश में किसान आंदोलन किसी एक व्यक्ति के चलाए नहीं चलेगा, सब लोग जुड़ेंगे तो आंदोलन बढ़ेगा। उसमें हरपाल जी की भी आहुति रहेगी, हम जैसे छोटे मोटे लोगों की भी आहुति रहेगी, सब लोग मिलकर इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे।